हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी मैथ की एक्सरसाइज में रिवीजन वर्क में 6.6 के क्वोटेंट एंड रिमाइंडर बताया था कि क्वोटेंट कौन सा होता है और रिमाइंडर कौन सा होता है। तो उसमें बेटा मैंने आपको 2 डिजिट के और 1 डिजिट के बताए थे। आज मैं आपको नेक्स्ट स्टेप सेकंड पार्ट में मैं आपको 3 डिजिट के और 4 डिजिट के सम कराऊंगी, जिसमें हमें फाइंड करना है क्वोटेंट और रिमाइंडर। तो फर्स्ट सम है बेटा हमारा, देखो 2, 6, 8 को हमें किससे डिवाइड करना है बच्चा? बच्चों 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब देखो जो 3 से हम डिवाइड करते हैं तो जो 2 है, मैंने बोला था अगर हमारी यहाँ 1 डिजिट है तो यहाँ भी हम 1 लेंगे, बट 1 किस कंडीशन में लेंगे? उस कंडीशन में लेंगे कि अगर ये जो डिजिट है वो 3 इस वाली डिजिट से बड़ी होगी। तो बट अब ये जो 2 है 3 से छोटा है, बड़ी तो है नहीं, तो अब हम इसमें 2 डिजिट लेंगे। अब देखो 2 डिजिट में बेटा हमारा 26 बन गया, तो 3 के टेबल में 26 आता है? नहीं आता। तो 26 से छोटा क्या होगा बताओ? 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 बड़ा हो जाएगा, तो हम 8 पर लेंगे, 3 8 जा 24। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया बेटा? 2 बच गया, 2 में से 2 गया 0, 0 लिखो या ना लिखो एज यू विश। ऊपर से हम 8 राइट करेंगे तो अब ये हमारी न्यू डिजिट बन गई है, हमारी हो गई 28। अब फिर देखते हैं कि 3 के टेबल में 28 आता है नहीं आता? टेबल तो आती होगी बच्चों आपको, नहीं आता। तो नहीं आता तो 28 से छोटा क्या है? 3 9 जा 27, 9 पर। तो अब हम 8 में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा हमारा? 1। और 2 में से 2 हमने किया तो 0 आएगी बेटा, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा क्वोटेंट कौन सा होता है, ये हमारा क्वोटेंट होता है और ये हमारा क्या होता है? रिमाइंडर। तो इसमें क्वोटेंट कौन सा है? 89। जो हमारी काउंटिंग होती है उसको ऊपर हम जो राइट करते हैं डिवाइड करने पर, उसको हम क्वोटेंट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिमाइंडर। ओके बच्चों, और इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। जिस टेबल से हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। वैसे आपके सामने है नहीं बट मैं आपको वैसे ही जनरली बता देती हूँ, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं और इसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं। ओके बेटा, और क्वोटेंट और रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है, बट ये नहीं है कि ये मैंने आपको जनरली ही वैसे ही बताया है। तो एक और ले लेते हैं हम 4 डिजिट वाला, ठीक है बेटा। वो हमें 1328 को हम डिवाइड करते हैं बेटा 8 से। तो अब देखो 1 तो छोटा है, ठीक है। अब हम 2 डिजिट लेंगे। अब 8 के टेबल में 13 आता है? नहीं आता। तो 13 से छोटा बेटा देखते हैं, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 16 बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे? 8 1 जा 8, कितने पर आया? 1 पर। ओके बच्चों, अब 13 है ये हमारा, 13 में से हमने 8 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा बेटा बताओ? 13 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 5 आया। इज दैट क्लियर? अब ऊपर से हम जो न्यू डिजिट है वो राइट करेंगे, यहाँ पर ये बन गया हमारा 52। अब 8 के टेबल में 52 आता है? नहीं आता। बट 52 से छोटा क्या है? 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 हो जाएगा, तो हम 8 6 जा लेंगे 48। दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा हम, 2 में से 8 हमारा नहीं सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि 2 छोटी डिजिट है और 8 बड़ी है,
तो इसको हमने कर लिया बेटा इसको 12, यहाँ से हमने इसको कैरी दे दी और ये हमारा बन गया 4। तो 12 में से हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया बेटा 4। अब ऊपर से न्यू डिजिट हम अपनी राइट करेंगे तो ये क्या बन गया 48। अब 8 के टेबल में 48 आता है नहीं आता? आता है, क्योंकि हमने ऊपर भी 48 राइट किया था। कितने पर आएगा 48 बताओ बेटा? 6 पर। 8 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगी, 4 में से 4 किया 0, तो हम एक ही 0 यहाँ पर राइट कर देंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एक तो हमारा क्यूटेंट कौन सा है, ये वाला। और रिमाइंडर ये वाला। ये हमारा क्यूटेंट हो गया और 0 हमारा क्या हो गया बेटा? रिमाइंडर हो गया। ओके बच्चों, एक और ले लेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। 195 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा जो 1 है, हम 1 डिजिट लेंगे तो 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो हम 2 डिजिट ले लेते हैं। 2 में हमारी बन गई 19। अब 19 2 के टेबल में आता है ना? आता नहीं आता, पर 19 से छोटा आता है। 2 9 18, 2 की टेबल आती होगी बच्चों, सबको आती होगी। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 में से हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 1। 1 में से 1 किया 0। अब हमने दूसरी डिजिट जो हमारी न्यू डिजिट है वो राइट की, तो हमारा क्या बन गया बेटा बताओ? बताओ बच्चों, 15 सा। बस अब 2 की टेबल में 15 आता है नहीं, या 15 से छोटा? तो 15 से छोटा आता है कौन सा? 2 7 जा 14। कितने पर आया बेटा ये? 7 पर। ओके बच्चों, अब हम इनको क्या करेंगे, इसको इस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया। ओके बेटा, 1 में से 1 गया तो 0 आया, तो 0 या तो लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कोई वो नहीं है, तो 7 पर आया। ठीक है बेटा, तो हमारा क्यूटेंट क्या बन गया? क्यूटेंट हमारा 97 आया बेटा, और रिमाइंडर 1 आया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको रिवीजन वर्क में आपकी मैथ की एक्सरसाइज 6.6 मैंने कंप्लीट करा दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी बेटा आपको इस एक्सरसाइज से रिगार्डिंग या कोई भी एक्सरसाइज जो आपकी मैथ में मैंने अब तक कराई है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।